खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर। ललितपुर शहर के स्टेशन रोड स्थित भगवान महावीर नेत्र चिकित्सालय में आज मुनिश्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद और मुनिश्री सुधा सागर महाराज जी के सानिध्य में ललितपुर जिले को मिली सौगात और निजी चिकित्सालय में अब बनेगा 5 मंजिला स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसका हुआ शिलान्यास। इस हॉस्पिटल में महानगरों में होने वाली जाँचों की रहेगी सुविधा और हर गंभीर बीमारी का स्पेशलिस्ट डॉक्टरों द्वारा यहाँ इलाज कराना होगा संभव। इस दौरान जैन पंचायत समिति के सभी पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। देखिए विस्तृत रिपोर्ट ललितपुर लाइव टीवी पर। बाकी भावना का तो जैसा होगा वैसा सबके आशीर्वाद और पंचायत बहुत खुश है। क्षेत्रपाल के प्रबंधक वगैरह सब खुश है और चिकित्सालय को उन्होंने इतना अच्छा भाव किया है। इनके लिए जो भी जमीन की जितनी जरूरत पड़ेगी पंचायत क्षेत्रपाल देने के लिए तैयार है। क्योंकि पहली बात तो है ललितपुर का एक गर्व है कि यहाँ सब अखंड एक झंडे के नीचे, यहाँ जो कुछ भी है सब किसका है? पंचायत का। पंचायत किसकी है? समाज की। क्षेत्रपाल भी उन्हीं का है, महावीर चिकित्सालय भी उन्हीं का है, सब जो कुछ भी है सब अखंड है। और जब अखंड है तो हमारा सब एक कुटुंब है और कुटुंब एक है तो हमारा सब कुछ एक ही होना चाहिए। चाहे इधर जावे चाहे उधर जावे सब एक ही माया है। ऐसी अखंडता बना के रखना है महावीर धाम। जगत पूज मन कुंदा सुधा सागर महाराज जी की आज हम जानते हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं। हमारे सभी ललितपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं एक यही कहूंगा कि ये सिर्फ अस्पताल 5 मंजिला नहीं बाकी सारी सुविधाओं के साथ और सभी प्रकार के डॉक्टर्स भी इस पर उपलब्ध होंगे। विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया से मैंने देखा कि लोगों ने बोला कि सिर्फ बिल्डिंग बनेगी, बिल्डिंग नहीं बनेगी, पूरी सुविधाएं होंगी और सभी प्रकार के डॉक्टर्स होंगे। किस तरह की सुविधाएं? सारी मेनली जो हार्ट से रिलेटेड डायलिसिस एंड अदर्स और जो सीटी स्कैन एक्सरे और सारा MRI सारी सुविधाएं और नेत्र चिकित्सालय तो नेत्र का तो ऑलरेडी है, बाकी सारी धीरे धीरे हम सारी सुविधाओं को उसमें। ये प्रेरणा मैंने कोविड में मेरे खुद फादर को जब उनको कोविड हुआ तो मैंने ललितपुर में सुविधाएं देखी, ललितपुर में मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सीटी स्कैन वगैरह कराया। उस समय से फिर मैं अमित प्रिय एंड ऑल संस्था के साथ जुड़ा और उसमें कंटिन्यूसली अपना जो भी बेस्ट सहयोग है वो कर रहा हूँ समाज के लिए और मेनली ललितपुर वासियों। लगातार कई वर्षों से अपने सेवाएं दे रहे हैं डॉक्टर अरविंद जी। काफी कल से हमारे बीच में हम उनसे पूछेंगे कि आगामी इस योजना को कितने अवधि में और क्या क्या इसमें और सुविधाएं। प्रारूप के रूप में तो ये है कि हम पहले आई हॉस्पिटल को संचालित कर रहे हैं नेत्र चिकित्सालय को श्री दिगंबर जैन भगवान महावीर नेत्र चिकित्सालय के नाम से। इसमें हम लोगों ने अभी नए सिरे से एक प्रारूप दिया है डायग्नोसिस सेंटर और इसमें है सीटी स्कैन का, जो हमने 14 अप्रैल महावीर जयंती के पर पब्लिक को समर्पित किया। इसके उपरांत इस बिल्डिंग में हमारे जो और प्रारूप बनने वाले हैं हम लोगों ने बैठ के इसकी रूपरेखा और बिल्डिंग के निर्माण के लिए जैसे हमें MRI भी है उसके लिए भी हम यहाँ स्थान रखेंगे, हमारा जो है डिजिटल एक्सरे है उसके लिए भी है, हमें डायलिसिस है उसके लिए भी हम स्थान रखेंगे। तो हमारे जो भाई अभी अंकित सर आपने जो कहा कि हम कार्डियो के लिए, तो हमारे हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं कि यहाँ पर जो कार्डियो के कारण हृदय रोग के कारण हमारे साथी कम उम्र के जो साथी हैं वो अल्प समय में चल दिए आते हैं, क्योंकि उनके लिए जब वह के टाइम बीच के टाइम में जो वो महाराज जी के जब तक जो है पंचकरण होगा कम से कम 3 मंजिल तो इसको हम कंप्लीट करेंगे।
ये हमारा दृढ़ संकल्प है। हमने हमारे देवेंद जी हैं, रमेश जी हैं, हमारे और डॉक्टर अनुराग जी हैं, हमारे और साथी जो हमारे हैं जिनके हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, हम अरविंद सराफ के जो अथक प्यास है, हम उनके साथ मिलकर इस पवन बरसायुग की उपलब्धि क्या विशेष उपलब्धि के साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल इसी उपलब्धि के साथ जुड़ेंगे। हम लोग पीछे नहीं रहेंगे, चाहे हमारा जो है 24 घंटे के 28 घंटे हो जाए, हम उसका उसमें अवधि में काम करेंगे। हमारे बीच में हमारे मंत्री जी चिकित्सालय के जो मंत्री कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि वो आगे इस कार्य को कितनी गति देंगे। श्री देवेंद्र चिकित्सालय जो कि सन 1975 से संचालित है, अब उत्तरोत्तर प्रगति को अग्रसर है और आज इस शुभ अवसर पर पूज गुरुदेव के पावन आशीर्वाद से हम इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आज अग्रसर हुए हैं और हमारी कोशिश रहेगी, हमारी कमेटी कोशिश रहेगी कि इस प्रकल्प को, इस अस्पताल को हम इतनी ऊंचाइयां प्रदान कर सकें कि ये जनपद में एक मील का पत्थर साबित हो और हमारी समाज के लिए, हमारे जनपद के लिए गौरव की छाप पैदा कर सकें। और हमारा प्रयास है कि बहुत से जल्द से जल्द यह जनता के लिए निश्चित ही आज सुधा सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो शिलान्यास हुआ है वो निश्चित ही ललितपुर वासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहेगा। नेत्र चिकित्सालय पहले से ही यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं और सारे पहले से ऑपरेशंस कर रहे हैं, निःशुल्क भी कर रहे हैं, सशुल्क भी कर रहे हैं और आगे भी कोशिश करेंगे कि इससे भी अच्छी सुविधाएँ समय हम दे सकें सभी मरीजों की। जो भी तकलीफें हैं वो हम दिन प्रतिदिन उसको निर्वाह कर सकें। जी आज हमारे शहर में भगवान महावीर नेत्र चिकित्सालय के प्रांगण में यहाँ ललितपुर में विराजमान मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज और उनके संघ द्वारा संत सुधा सागर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शिलान्यास हुआ, इससे निश्चित ही ललितपुर और आसपास के क्षेत्र जिनमें मध्य प्रदेश के कई ज़िले आते हैं, यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत ही सुधार होगा। अभी हमारे ललितपुर में जो निजी चिकित्सालय हैं वहाँ इतनी अच्छी सुविधाएं मरीजों को नहीं मिल पा रही हैं। ये सुपर स्पेशलिस्ट बनने से कई और विशेषज्ञ भी हमारे शहर में आएंगे जिनका जनता को सीधा लाभ मिलेगा। क्योंकि अभी जो इसका प्रारूप तैयार किया गया है उसमें 5 मंजिल ये हॉस्पिटल बनाई जाएगी, जिसमें कि सभी तरह की सुविधाएँ, OPD भर्ती की सुविधा प्लस जाँचों की सुविधा उपलब्ध रहेगी। अभी CT scan ऑलरेडी इस हॉस्पिटल में शुरू किया गया, 96 टेस्ला की मशीन है ये और 96 सिलाइसिस की CT scan मशीन अभी पिछले कुछ महीनों पहले ये स्थापित यहाँ की गई थी, जो कि बहुत अच्छी चल रही है। और ये दिगंबर जैन पंचायत के अंतर्गत जो अभी भगवान महावीर नेत्र चिकित्सालय संचालित है उसी प्रांगण में जो वहाँ की पुरानी बिल्डिंग है उसको उसका जीर्णोद्धार एक तरह से कहा जाए, उसको तोड़ करके उसकी जगह पर नया भवन तैयार किया जाएगा और इसमें कम से कम 1 वर्ष का समय लगेगा। और इस बीच में जो इस अस्पताल को तैयार करने में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी और जो डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी वो सब तैयारियां हम लोग कर लेंगे और जो इसका निर्माण है वो एक हमारे यहाँ के अरविंद सराफ जी हैं, अरविंद सराफ जी, अंकित सराफ, उनके परिवार द्वारा इसमें पूरा सहयोग किया जा रहा है। और चूँकि निर्माण में लगने वाली राशि पहले से ही उपलब्ध करा दी गई है इसलिए निर्माण में देरी नहीं होना चाहिए। और आज जैसा कि हमारे महाराज जी ने कहा, सुधा सागर जी ने महाराज ने, कि ललितपुर तो दानवीरों की जगह है और ललितपुर के बारे में उन्होंने बहुत बहुत तारीफ़ की, प्रशंसा की यहाँ के लोगों की, यहाँ के लोगों की भावना की, यहाँ के लोगों की सेवा भावना की। तो हमें ऐसा लगता है कि 1 साल के अंदर ये हॉस्पिटल तैयार हो जाएगा और यहाँ पर जो कुछ ऐसी सुविधाएँ अभी तक हमारे जनपद में या हमारे आसपास के क्षेत्रों को नहीं मिल रही थी वो मिलेगी। यहाँ एक मेडिकल कॉलेज का भी, सरकारी मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण कार्य चल रहा है, वो भी शायद 1-1.5 वर्ष में तैयार हो जाएगा। लेकिन निजी क्षेत्र में ये सबसे बड़ा संस्थान होगा स्वास्थ्य के लिए।